हेलो एवरीवन, होप आप लोग सब हेल्दी होंगे और खुश होंगे। वेलकम टू गो फिट नेचुरली। इट्स दिवाली। दिवाली इज द मोस्ट स्पेशल एंड अवेटेड फेस्टिवल इन इंडिया। हम सबको हैप्पी और हेल्दी दिवाली चाहिए, है ना? अभी हम सबको पार्टीज में जाना है, दिवाली के स्नैक्स खाने हैं, तभी तो मजा आएगा ना, मेमोरीज क्रिएट होगी। यस, हम सबको ये करना है, लेकिन विदाउट अफेक्टिंग अवर हेल्थ। सो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देती हूँ ताकि आप दिवाली बहुत अच्छे से एंजॉय कर सको, अच्छा अच्छा खा सको विदाउट अफेक्टिंग योर हेल्थ। सो दिवाली आती है, वैसे ही विंटर सीजन शुरू हो जाता है। विंटर में वेदर बहुत ड्राई होता है और बहुत ठंडा होता है। जो ये दिवाली डेलिकेसीज है, दिवाली के जो स्नैक्स है, दे आर लोडेड विद एसेंशियल फैटी एसिड्स। एसेंशियल फैटी एसिड्स हम सबको चाहिए होते हैं। याद रखो, बॉडी में फैट बर्निंग के लिए एसेंशियल फैटी एसिड्स जरूरी है। Essential fat also provide good nourishment and supple skin. Of course, सारे दिवाली के snacks घर पे बने होने चाहिए। बाहर से snacks मत लाइए, वो लोग इसमें low quality vegetable and palm oil use करते हैं। वो लोग same oil में बार बार fry करते हैं। बार बार fry करने से वो oil toxic हो जाता है and उसमें बहुत free radicals create होते हैं। बाहर मैदा use होता है and what not। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिवाली snacks के बारे में। आप आराम से, खुशी से, मन से दिवाली के स्नैक्स खाइए। बस ये घर में बनाइए, अपने हाथों से और फ्रेश बनाइए। डालडा बिल्कुल मत यूज कीजिए, अच्छा कोल्ड प्रेस ऑयल यूज कीजिए, मतलब कच्ची घानी का तेल यूज कीजिए, घी यूज कीजिए, मैदा मत यूज कीजिए। एग्जाम्पल, अगर आप शक्करपारी बना रहे हो तो गेहूं के आटे की बनाओ, घी में फ्राई करो, शक्कर की जगह गुड़ यूज करो, यमी भी एंड हेल्दी भी। और हाँ, अगर घर पे भी बना रहे हो तो जितना लगने वाला है उतना ही ऑयल लीजिए, क्योंकि ऑयल हमें यूज नहीं करना है। हमारे जो स्नैक्स होते हैं दे आर वेरी गुड। जैसे हम महाराष्ट्र में जो चकली बनाते हैं, इट्स मल्टीग्रेन, प्रोटीन रिच एंड न्यूट्रिशियस, क्योंकि इसमें हम बेसन यूज करते हैं। इसको अगर आप बिस्किट से कंपेयर करोगे जो आप रोज खाते हो, तो चकली इज मच मच बेटर ऑप्शन। बिस्किट्स आर मोस्टली मेड ऑफ मैदा। Even if they are multigrain, the major ingredient is maida, and only some percentage of multigrain atta is used. इसमें palm oil, artificial sweeteners और पता नहीं क्या क्या होता है। और चकली तो हम घर पे अपने हाथों से fresh बनाते हैं। Then why not prefer चकली? सिर्फ चकली ही नहीं, आप लड्डू खाइए, गुजिया खाइए, मटरी खाइए, आपके यहाँ जो special बनता है दिवाली में वो खाइए। सबका अपना अपना एक दिवाली का favorite snack होता है। आपका क्या है मुझे comment करके बताइए। मुझे तो चकली बहुत पसंद है। हमें डाइवर्स न्यूट्रिशन मिलता है दिवाली में। जो हम पूरे साल नहीं खाते वो हम दिवाली में खाते हैं। आप स्वीट्स भी खा सकते हो, लेकिन दिवाली के ट्रेडिशनल स्वीट्स को कपकेक्स एंड चॉकलेट से मत रिप्लेस करना प्लीज। देन दैट विल नॉट बी अ हेल्दी दिवाली। बाहर के हलवाई वाले स्वीट्स अवॉइड कीजिए, घर पे बने स्वीट्स खाइए। बाहर के स्वीट्स में बहुत एडल्ट्रेशन होता है, स्पेशली ड्यूरिंग दिवाली। ऑल्सो, घर के जो स्वीट्स हैं वो जनरली ग्लाइसेमिक इंडेक्स में लो होते हैं, क्योंकि इसमें हम घी यूज करते हैं, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, तिल, कोकोनट, चना यूज करते हैं और बहुत सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स। इसके कारण इन स्वीट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो जाता है, एंड हेल्दी इंग्रेडिएंट्स के कारण ये स्वीट्स न्यूट्रिशियस भी हो जाते हैं। सो आप हेल्दी इंडियन स्वीट्स ही प्रिफर करें। अब बात करते हैं पोर्शन कंट्रोल के बारे में। अरे डर डर के मत खाओ। यस, आपको पोर्शन कंट्रोल करना है। बहुत ज़्यादा फ्राइड एंड ज़्यादा मीठा खाओगे तो फिर एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, ऊपर से वेट गेन। थोड़ा थोड़ा खाइए, ये नहीं कि दिवाली है तो पूरा दिन सिर्फ मीठा तला खा रहे हो, लेकिन डर के नहीं, खुशी से खाओ एंड खुशी से पोर्शन कंट्रोल करो। आपका सेटिस्फाइड रहना ज़रूरी है। आप ये दिवाली के 4-5 दिन अच्छे से खाओगे ना, फिर बाद में आपको क्रेविंग नहीं होगा। सो जितना खा रहे हो माइंडफुली खाओ, खुश रहो। अब बारी हाइड्रेशन की। आपको हमेशा से ज्यादा पानी पीना चाहिए फेस्टिवल्स में, और हम उल्टा कम पीते हैं। ज्यादा पानी पीने से डाइजेशन भी अच्छे से होगा एंड टॉक्सिन भी फ्लश होंगे। आपको ब्लोटिंग एंड गैस जैसे इश्यूज नहीं होंगे। आप लोग बाकी लिक्विड्स भी इंक्लूड करिए, जैसे लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, बटर मिल्क। ऐसा करने से आपको ज्यादा हैवी नहीं लगेगा, वरना फ्राइड और मीठा खा के इन दिनों हमें हैवी लगने लगता है। नेक्स्ट इज ईटिंग फ्रूट्स। आप दिन भर में एटलीस्ट एक बार फ्रूट्स जरूर खाइए। फ्रूट से हमें फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। हमारी इम्यूनिटी मेंटेन रहती है, जो बहुत जरूरी है, एंड डाइजेशन भी अच्छा रहता है। आपकी स्किन भी ग्लो करती रहेगी। अब बात करते हैं पार्टीज के बारे में। आप जब दिवाली पार्टीज में जा रहे हो तो आप घर से कुछ थोड़ा सा खा के जाइए, जैसे थोड़ा सा राइस। आप दही चावल खा सकते हैं या दाल चावल,
राइस इज द लाइटेस्ट ग्रेन टू डाइजेस्ट, सो जब आप हैवी खाने वाले हो तो उसके साथ राइस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। आप पार्टीज में जाने से पहले फ्रूट्स भी खा सकते हो या और कोई हेल्दी स्नैक। इसे क्या होगा ना, जब पार्टी में जाओगे तो आपको बहुत भूख नहीं लगी होगी एंड आप सब थोड़ा थोड़ा खाओगे। जब बहुत भूख लगी होती है तब हम बस जो मिल रहा है वो खाते हैं एंड ओवर ईटिंग भी करते हैं। हमारे पेट में ऑलरेडी कुछ होगा तो ऐसा नहीं होगा। पार्टी में आप सोच समझ कर खाइए। अगर आप रेस्टोरेंट्स में खा रहे हो तो फ्राइड अवॉइड कीजिए, लेकिन किसी फ्रेंड के घर पे पार्टी है एंड उन्होंने घर पे फ्रेश फ्राई किया हो तो आप खा सकते हो। पार्टीज में आप अल्कोहल एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स भी अवॉइड कीजिए। चलो बात करते हैं अब एक्सरसाइज के बारे में। दिवाली के दिनों में जनरली हम एक्सरसाइज को तो भूल ही जाते हैं क्योंकि हमें टाइम नहीं मिलता, लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि एक्सरसाइज से हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, एपिटाइट बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। सो हम जो खा रहे हैं उसे हमें एसिडिटी नहीं होगी, हम अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे। आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप घर पे ही कुछ कीजिए, 10-15 मिनट भी काफी है। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो, मेरे चैनल पे 15 मिनट्स का एक डांस वर्कआउट है, आप वैसा कुछ भी कर सकते हो, उसकी लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिल सकती है। लेकिन टाइम निकाल के जरूर करो। लेकिन अगर आप लेट नाइट पार्टी कर रहे हो तो उसके दूसरे दिन ज्यादा एक्सरसाइज मत करो, लेट योर बॉडी रिलैक्स दैट डे। आप पार्टी में जाने वाले हो उस दिन एक्सरसाइज जरूर करो। आप गेस करो हाउ डू वी एंड दिवाली। वी एंड दिवाली विद तुलसी विवाह। हम तुलसी विवाह में शुगर केन बहुत यूज करते हैं, इसी का प्रसाद होता है। सो वी आर सपोज टू एंड दिवाली विद शुगर केन। शुगर केन इज वेरी अमेजिंग। शुगर केन इज वेरी वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। इसमें भरपूर कैल्शियम है, फॉस्फरस है। इट इज सो रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड बेस्ट डिटॉक्स फॉर आवर लिवर। Isn't that amazing? कितना thoughtfully ये सब बनाया गया है ना? ये natural after दिवाली detox है। गन्ने का जूस जरूर जरूर पीजिए। Firecrackers के कारण दिवाली में जो बहुत pollution हो जाता है उससे हमारी बॉडी में एयर के थ्रू toxins आते हैं। लेकिन इन सब टिप्स को फॉलो करके आपकी बॉडी एकदम हेल्दी रहेगी। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए एंड मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।